हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में मैं परसेंटेज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी। ठीक है, प्रॉब्लम गिवन है कि इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504, यानी कि हमें गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है 504 और बॉयज़ की परसेंटेज गिवन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है जब हम टोटल परसेंटेज लेते हैं तो वो हम 100% ले रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास 70% बॉयज़ गिवन है तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, डेफिनेटली वो 30% होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, लाइक अगर मैं कर ही दूँ इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30%। ठीक है, तो 30% गर्ल्स हो गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब हम फाइंड करेंगे 30% ऑफ एक्स, यानी कि जिस तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि जब हम परसेंटेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ द बेस, परसेंटेज ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना होता है बेस नंबर को, एंड दैट इज इक्वल टू द अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज गर्ल्स की कितनी है, 30%, बेस नंबर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू 504। बेसिकली ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बेस नंबर x फाइंड आउट करना चाहती हूँ, वो नंबर जिसका 30% जो है वो 504 के इक्वल है, यानी कि x फाइंड करने से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं x को सिंप्लीफाई करूँ तो आपको पता है कि परसेंटेज को सबसे पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगी, दैट विल बी इक्वल टू 504। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, मतलब लाइक अगर इसको हम सोल्व आउट करेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1680। ठीक है, ये हमारे पास x आया है, यानी कि ये हमें बेसिकली टोटल क्लास गिवन है, लेकिन हम तो फाइंड आउट करना चाहते हैं बॉयज। अगर हम नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमें गिवन थी ना, लेकिन बॉयज़ की तो जस्ट परसेंटेज गिवन थी, तो इसके लिए मैं जब 1680 से 504 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1176, एंड दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। ओके, यानी कि 70% बेसिकली 1176 के इक्वल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम परसेंटेज प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।